Hello everyone, welcome back to your channel. Start. Wait. Start. Hello everyone, welcome back to your channel, EduStudyX. डिजिटल इंडिया में ना हमारा पता नहीं चलता मैं कब लाइव आ गया कब नहीं आया। आज खैर आपको बता दूं, बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोगों ने इतना ट्वीट किया है, इसकी फोड़ दिया ट्विटर को। और दुखी की बात ये भी है कि 1 करोड़ ट्वीट हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। सिस्टम इतना बुरा है कि क्या पता, सब कुछ मोदी जी आपके पास ही है, डिजिटल वगैरह है ना। खैर आज हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क, बट लगातार करते रहना है आपको ट्वीट, सोते समय भी, जागते समय भी, खाते समय भी, जाते समय भी, नहाते समय भी, हर जगह। ओके स्टार्ट करते हैं आपके लिए। आप देख लो एक बार, ठीक है। तीन टॉपिक आपके हो चुके हैं, ठीक है, स्टडी जीके में। पहला टॉपिक आपका था इंडेक्स वाला, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका था सीएम एंड गवर्नर वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक था हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आपका फोर्थ टॉपिक है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो काफ़ी ट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई थी, रोमांटिक ट्रिक्स थी, क्योंकि हम लोग की एज भी ऐसी होती है 25 के आसपास, तो कहीं वो चीज़ें सूटेबल होती हैं। आपको वो चीज़ मैं दूंगा इससे कि आपको याद ज़्यादा टाइम तक रहे। आप लोग देख भी रहे हो, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि आप लोग देख लीजिए, रोमांटिक ट्रिक्स वगैरह है आपकी, जनरल अप्रोच भी लाऊंगा मैं और रिविजन भी कराऊंगा लास्ट सेशन का, जो भी हमने डिस्कस किया था वो वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पर क्या था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी क्लास छोड़ो, हर किसी के लिए। अच्छा, आपके पास अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो थोड़ा सा अब आपको आराम में दूंगा कि ये कुछ यूटी और स्टेट्स हैं जिनमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है। आपका पंजाब, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है और पांडुचेरी है, ओके। अब चलते हैं अपन लोग नीचे, जिसमें एक एक ऐसा स्टेट, ऐसा कौन सा यूटी है जिसमें एक एक नेशनल पार्क है। आपका बिहार है, ठीक है, गोवा है, झारखंड है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, यूपी है और लद्दाख, इसमें इंपॉर्टेंट एक एक है। तो अब बचे कुछ जो भी हैं वो देखते हैं, कुछ मैं ट्रिक्स यूज करूंगा, कुछ मैं जनरल अप्रोच दूंगा जिससे कि आपको याद रहे। सभी में ट्रिक्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सभी ट्रिक्स आपको याद करते रहेंगे आप लोग, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कुछ नहीं याद कर लो, फिर ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी। ट्रिक्स इतनी ईजी होंगी आपको याद ही नहीं करनी होगी, मजे में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो अपना क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपका स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था या कब लागू किया गया था, तो आपका वो था 1972, ओके। नेक्स्ट अपना क्या है, एक इसमें नोट भी है कि यह जम्मू कश्मीर, जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए उनका अपना कानून को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है, यानी कि जे एंड के में छोड़कर ये बाकी जितने भी अपनी यूटी हैं और स्टेट्स हैं उन सब में लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, वन्य जीव से संबंधित परियोजनाएं भी हैं, आप लोग देख भी रहोगे स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें ये कब लागू हुआ था, तो 1973 आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, कब लागू किया गया था, तो 1973 में। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑपरेशन मगरमच्छ, ऑपरेशन मगरमच्छ तो ये कब आया था, 1975, ओके। नेक्स्ट अपना क्या है, गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना तो ये कब आई थी, 1987, ओके। नेक्स्ट अपना क्या है, हाथी परियोजना, तो क्या ये 1988। नेक्स्ट अपनी क्या है, हेम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2019 में आया था, ओके। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। चलते हैं अपन लोग आगे, स्टार्ट करते हैं आपके जिसमें। अब मेरा अरेंज क्या रहेगा, मेरा हमेशा रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले एक, यानी कि ऐसा कौन से यूटी या स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक एक है, फिर दो दो हैं, फिर तीन तीन हैं, चार चार हैं, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, जिससे आपको याद आसानी से हो सके, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट, ये अपना फर्स्ट यानी कि एक कहाँ पर है, तो हमारा बिहार में एक है, कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वाल्मीकि यानी कि आपको याद रहेगा, ये कोई इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाओ, ट्रिक भावना हो जाए यहाँ पर दिक्कत हो याद करने में, लर्न करने में, या माइंड में थोड़ा सा नेशनल पार्क को बॉन्ड बनाने में, बीच में कि कहाँ पे, यहाँ पे इकलौता है बिहार, बिहार में इकलौता है नेशनल पार्क तो वाल्मीकि है। बिहार के आपके सीएम कौन है बताइए, और यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है, कौन है, फागू चौहान, कौन है, फागू चौहान। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट,
जिसमें एक होना चाहिए, हमारा झारखंड है, झारखंड में एक है, कौन है? बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क झारखंड जो मान लो है, एक ही झारखंड है हमारा, ठीक है। तो ये किस पे, पृथ्वी पे, किसी तल पे तो होगा ना, ये पृथ्वी के तल पे ही तो है ना झारखंड अपना, तो ये तल यानी कि पृथ्वी के तल, ट्रिक इसकी क्या है, झारखंड जो है पृथ्वी के तल पर है, पृथ्वी के तल पर है, ओके, पृथ्वी के तल पर है, तो झारखंड का है पृथ्वी के तल पर है, तो बेतला हो गया, ठीक है। चलते हैं पढ़ लो, क्या दिक्कत होगी मैं बता दूंगा, बाकी एक इकलौता है आपको बिना ट्रिक याद करना, झारखंड बेतला। चलते हैं नेक्स्ट अपना क्या पे एक, ओके मणिपुर, मणिपुर का लोग देखते हैं, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या बोला उसने, बुल, बुल जो है यानी कि जानते हो बुल किस पशु को कहते हैं, ठीक है, बुल लेने लाम लेने जाओ मणिपुर, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, बुल लेने जाओ, कहां पे बुल लेने जाओ, बुल लेने जाओ, ठीक है, बुल लेने जाओ कहां, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, बुल लेने जाओ मणिपुर, यार बुल लेने जाओ मणिपुर है ना, बुल लेने जाओ मणिपुर, ऐसे याद कर लो, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। बेतला कहां पर है, बेतला कहां है, झारखंड में, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट वन का, नागालैंड में है, नागालैंड में आपका ये है, इस थोड़ा सा नाम गलत हो गया, इसका नाम है नटाकी, नटाकी बोलता हूँ मैं यहाँ पे, नटाकी, 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 ठीक है, नटाकी क्या है कि यार यहाँ पे निकालो नंगा, नंगा, ठीक है, नंगे हो कि नौनंगी मत करो यार, ठीक है, बहुत हो गया ड्रामा, हम लोग कहते नहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं यार, बहुत आपका ड्रामा हो गया, नंगे हो गए ना, नौटंकी नहीं करो, ठीक है। ये अपन नागालैंड से है नटाकी, नटाकी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नंगे होके नौटंकी नहीं करो, नटाकी, ओके। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट, इससे यहाँ पे वन है, एक सिक्किम में भी है, ठीक है, सिक्किम में देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचन कहाँ की रहने वाली है, कंचन कहाँ की रहने वाली है, सिक्किम की, कंचन कहाँ की रहने वाली है, सिक्किम की, याद कर लो, इजी ट्रिक रखो ये बहुत इजी हो, कंचन कहाँ की है, कहाँ की है भाई, सिक्किम की है, कहाँ की है, कंचन कहाँ की है, सिक्किम की है, ये ट्रिक होगी आपकी। चलते नेक्स्ट अपना क्या है, और एक लद्दाख, लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क। अब क्या है ना कि लद्दाख जे एंड के यहाँ पे क्या आतंकवादी बहुत आते रहते हैं, काफ़ी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, हमारे जवान लोग हैं वो काफ़ी क्योंकि आतंकवादियों को ढेर मुठभेड़ में मार देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ वहाँ, इसलिए हम लोग घूमने नहीं जाते जे एंड के लद्दाख वगैरह में, तो क्या कहते हैं अपन लोग, यार मैंने ना लद्दाख घूमना मिस कर दिया, यहाँ पे मिस है ना, मिस ये हेमिस, हेमिस हे, मैंने लद्दाख घूमना मिस कर दिया यार, हे यानी तुम, हे सुनो यार, हे मैंने ना लद्दाख घूमना मिस कर दिया, तो क्या होगा लद्दाख का क्या ट्रिक बन जाएगी अपनी, हे मैंने ना लद्दाख घूमना मिस कर दिया, ठीक है, ओके, बहुत इजी दे रहा हूँ आपको ट्रिक्स, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी, सेशन को एक दो बार देखोगे आपको दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। बाकी मैं रिविजन कराने के लिए बैठा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या है, एक ही है, क्या नाम है उसका, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा यानी कि दूध जो होता है ना, वैसे भी काफ़ी बड़ा यूपी अपना एक स्टेट है, टॉप पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, तो वहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भैंस भी बहुत लोग पालते हैं, तो दूध कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर यानी यूपी में सबसे ज़्यादा दूध है, तो दुधवा कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। अब चलते हैं दूध पे, फर्स्ट फर्स्ट अपने हो चुके हैं सारे, चलते हैं टू पे, लास्ट में दो मिनट का मार देंगे रिविजन, तेज स्पीड वाला, ठीक है। अब क्या है अपना दो पे, दो पे चलते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अपना है कहाँ पे, दो पे, पहला तो इसका सीएम कौन है, प्रेमा खांडू, कौन है, प्रेमा खांडू है ना कि नहीं है, बताओ कंफर्म करो, ठीक है, और यहाँ पे वो कौन है आगे गवर्नर, बी डी मिश्रा, ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, बी डी मिश्रा, ठीक है, सीएम तो कंफर्म करोगे। अब क्या है भाई, मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी ट्रिक क्या है, अरुण 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 शिवलिंग शिव लिंग शिवलिंग लेकर लेकर दफा हो जाओ हो जाओ, ठीक है, अरुण शिवलिंग लेके दफा हो जाओ, अरुण शिवलिंग लेके दफा हो जाओ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, मोलिंग और नाम दफा, लिंग से क्या हो जाएगा, मोलिंग, और दफा से क्या हुआ, नाम दफा, तो अरुण अरुण मोलिंग यानी कि शिवलिंग लेके दफा हो जाओ, शिवलिंग लेके दफा हो जाओ, आखिर ठीक है।
आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। और चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेकंड केस में आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, हरियाणा ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से दो है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ध्यान बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ठीक है। तो हरियाणा आपको पता होगा कि वहां पे सबसे महंगा एक भैंसा है ठीक है। अरे तो कहाँ से ढूंढ के लाया, क्या विचार मेरे मन में आया भाई, क्रिएटिव बहुत देख, बहुत देख, मतलब कि दो चार दिन लगते हैं ट्रिक बनाने में ठीक है, इससे कि इजी से इजी ट्रिक बना सकूं मैं। तो सुल्तान नाम है उस भैंसे का, क्या नाम है, सुल्तान नाम है। तो क्या मैं बोलूंगा, हरियाणा, हरियाणा का सुल्तान भैंसा, भैंसा क्या है, काला है, काला है ठीक है। तो हरियाणा का सुल्तान भैंसा, यानी कि हरियाणा का भैंसा काला है, तो यहाँ पे सबसे महंगा भैंसा है ठीक है। तो हरियाणा का सुल्तान यानी कि भैंसा काला है, तो क्या होगा हरियाणा का, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर यानी काला है, तो कालेसर सुल्तान नाम है भैंसे का, सुल्तानपुर हो गया ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट, इसमें टू आता हो, टू देखते हैं, ये पढ़ने में मजा है भाई, ऐसे पढ़ना है, थोड़ा मैं शांत हूँ बट क्योंकि यार थोड़ा बीमार सा हूँ। मेघालय, मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको मेघालय की, बताइए सीएम एंड गवर्नर में, मेघ हुई बारिश हुई, कोई साथ में होना चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए भाई, क्योंकि जब बारिश होती है, इंडियन बारिश होती है तो ना गर्लफ्रेंड चाहिए, नुक्कड़ में जाके चाय पियेंगे, छाता में वो गर्लफ्रेंड होगी, हाथों में हाथ होंगे, है ना, यानी कि मेघा यानी बारिश हुई, बारिश में संग चाहिए, तो कौन है, कौन रोड संगमा, कौन रोड संगमा, कौन है यहाँ के सीएम, ऐसे करना था आपको ठीक है। बाकी गवर्नर आप बताइए, कुछ मैं बताऊंगा कुछ आप बताइए। मेघालय बल फकरम राष्ट्रीय उद्यान और नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान, उसी ट्रिक को मैं इसी में लिंक कर दे रहा हूँ कि मेघालय यानी कि जब बारिश हुई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब जा रहे हैं, तो क्या हुआ ना, वो छाता उड़ गया, छाता जब उड़ गया तो क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड के बाल भीग गए, तुम्हारी नाक भीग गई, उसकी नाक पे लगा दो, सब उसी का लगा दो, चलो गर्लफ्रेंड ने क्या हुए, बाल भीग गए, लंबे लंबे बाल उसके थे भाई, भीग गए, बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश, नाक भी उसकी भीग गई, यानी कि मेघालय बारिश के टाइम में है ना, मेघालय यानी बारिश के टाइम में गर्लफ्रेंड की बाल नाक सब भीग गए, बाल नाक सब भीग गए ठीक है। मेघालय क्या होगा भाई, बल फकरम और नोक रेक, याद नहीं करना, इतना ट्रिक बना लो कि ऑप्शन में दिखेगा ना, तो आप तुरंत ऑप्शन में लिंक कर दोगे, क्वेश्चन दिखेगा, ट्रिक आपको हल्के से सिलेक्ट की याद होगी, तुरंत आप मैच कर दोगे, याद नहीं करना पूरा कि बल फकरम को नहीं, बाल बल ठीक है, नाक तो नोक रेक ठीक है, नाक से क्या था मारा है देख लो, नोक रेक ठीक है। तो ऐसा आपको याद करना है। मूव टू नेक्स्ट सेकेंड, उड़ीसा ठीक है भाई, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ठीक है। तो क्या हुआ, कनिका को यानी कनिका नाम होता है गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड वाला लड़की का, कनिका, कनिका ठीक है। तो कनिका को क्या है, कनिका को मैंने उड़ीसा से शिमला कर दी, कनिका को मैंने उड़ीसा से शिमला के दी ओके, सिमलीपाल हो गया ठीक है। भीतर कनिका, कनिका में ना गर्लफ्रेंड के काफी काफी गर्लफ्रेंड, काफी लोगों की गर्लफ्रेंड के नाम भी होंगे कनिका, उनको जल्दी याद हो जाएगा, नालायक हो तुम लोग बहुत ज्यादा है ना, तो गर्लफ्रेंड जो सही है उसी के नाम से कुछ ही, पूरी पढ़ाई में गर्लफ्रेंड के नाम पे बना दूंगा, टेंशन नहीं लो, बस याद करना, सेशन पूरा देखना। तो भीतर कनिका, कनिका को हमने उड़ीसा से शिमला के दी ओके। चलते हम लोग नेक्स्ट, भीतर कनिका हो गया, राष्ट्रीय सिमलीपाल हो गया, ये हमने लिख दिए हैं, आपको कभी कभी पूछ सकता है, तो आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा देख लेना, बाकी मैंने तो बस अपनी फॉर्मेलिटी अदा की है, बाकी मेरे लिए तो इतना इशू नहीं है, कुछ है जो स्टार्टिंग में बने हैं, कुछ है लास्ट में बने हैं, बोल ये देख लीजिएगा ठीक है। चलते नेक्स्ट सेकंड कहाँ पर है, ओके त्रिपुरा में, त्रिपुरा क्लाउड डेड लेपर्ड और बिशन राजवाड़ी नेशनल पार्क, बिशन को भी बोलते हैं राजवाड़ी, राजवाड़ी नेशनल पार्क, क्लाउड डेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और बिशन नेशनल पार्क ओके। त्रिपुरा बताइए, क्लाउडेड बिल्सम, एक इंग्लिश मैं नहीं, आप लोग लिख लो क्लाउडेड बिल्सम, कहाँ का है, त्रिपुरा का है, क्लाउडेड बिल्सम कहाँ का है, सर यूपी में कितने हैं, सर यूपी में एक ही है, तो दो है, तो तीन सर, बट एक इंपोर्टेंट है, कौन सा, दूध बहुत होता है, दूध बहुत,
दूसरा आपका क्या है, लालू प्रसाद सीएम है। नो भाई थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो यार, है ना। अगर तुमको सीएम तो याद नहीं है, पुरानी वीडियो जाके देखो, ठीक है ना। ट्रिक के सब याद कर लोगे आप, रोमांटिक ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। और आपका क्या है कमेंट, और क्या सर गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए अपना फीलिंग क्यों ले रहे हैं। ओह पता नहीं है कौन है, दूसरा कौन है, कतई जहर ट्रिक। कतई जहर ट्रिक तो दिल्ली में होती है सर, ये कतई जहर नहीं है, कतई रोमांटिक ट्रिक है। चलते हैं लोग आगे, उत्तराखंड उसको हटाइए, अभी दो चाहिए ना हमको भी। अपने यहाँ अपना बोल चुके हैं त्रिपुरा, यानी कि क्लाउडेड विल्सन। क्लाउडेड विल्सन कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। क्लाउडेड विल्सन कहाँ का है, त्रिपुरा में रहता है, त्रिपुरा का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अपना क्या है खत्म हो गया, टू गए, अब थर्ड पाते हैं बिल्लो, ऐसा आपको आराम रहेगा याद करने में, ठीक है भाई। चलते हैं थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इरेज, क्योंकि आप लोग फिर हमको देते हैं क्या गाली कि आप सफाई नहीं रखते हैं। मोदी जी बोल चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान, सबको सफाई रखो, रोजगार मत दो, ठीक है ना। मैंने बेचा मेट्रो, मैंने बेचा ये, पता नहीं सब बेच ही दिया यार। इतना पढ़ने के बावजूद भी हमारा देश 10-5 हजार तक के रुपए के लिए परेशान है। ट्विटर पे डालते रहना अपना, सही से स्पेस लगा के, स्पेस नहीं लगाना है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, जब तक नहीं देंगे तब तक बंद नहीं करना। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड हो गए, अब थर्ड। थर्ड क्या है अपना, आंध्र प्रदेश। थर्ड क्या है अपना, आंध्र प्रदेश। क्या है, पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपकी ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक आपकी ये है कि पापी और कांडी, पापी कांडी हम तो कांड करता हूँ, पापी और कांडी राजीव, पापी और कांडी जो राजीव है ना, राजीव जो है उसकी एडेक्टिव है ना, जो सर आपको पढ़ा के अभी गए इंग्लिश वाले, कि पापी यानी कि जो राजीव गांधी की जो एडेक्टिव है, गांधी वो आती नहीं, मतलब एक ट्रिक से आया कर लो, किसी की ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ मैं नाम पे। तो राजीव गांधी क्या है, पापी है और कांडी है, ठीक है, एडेक्टिव है। तो पापी और कांडी राजीव गांधी क्या हुआ, वेंकटेश्वर जाके अंधे हो गए, आंध्र से अंधे हो गए, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, पापी और कांडी, ठीक है, राजीव वेंकटेश्वर जाके अंधे हो गए, ठीक है। कांग्रेस है ना, नहीं यार किसी के नाम पर नहीं यार, ट्रिक अपन लोग का एग्जाम निकल जाए बात खत्म, अपन लोग का ये, ओके ब्रो, तो टेंशन नहीं लेना, बाकी किसी के दिल पर नहीं आना भैया, खास मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ओके ब्रो, ओके। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पापी और कांडी राजीव वेंकटेश्वर जाके अंधे हो गए आंध्र प्रदेश के, ठीक है। चलते अपन लोग नेक्स्ट, थर्ड कहाँ पर है, ये है आपका थर्ड, छत्तीसगढ़। क्या है, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, और इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू भी बोलते हैं इंद्रावती को, और अपना तीसरा है कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कंगार से हम लोग बोलेंगे कंगाल, ठीक है, घासी से घासी रहने देंगे, ठीक है, इंद्रा से बना लेंगे अपना इंद्र, ठीक है। तो कंगाल इंद्र और घासीदास, कंगाल कंगाल इंद्र और घासीदास, क्या हुआ, कंगाल इंद्र और घासीदास, और 36 बनाएंगे अपन लोग 30, ठीक है। तो कंगाल इंद्रा और घासी, इंद्र या इंद्रा कर लो, तो कंगाल इंद्र और घासीदास के पास 3 रुपये भी नहीं थे, है मजा आई, इजी है ट्रिक, ओके। कंगाल इंद्रा और घासी के पास, घासीदास के पास 30 रुपये भी नहीं थे, ठीक है, आपकी ट्रिक होगी, ठीक है। आपके तीन है इंपॉर्टेंट, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती कुटरू बोलते हैं उसको राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या करना, सेशन को आके बंद करके ईयरफोन लगा करना मॉर्निंग में, और सुन लिया आराम से, 2x स्पीड लगा दो चार बार सुनोगे अपने आप याद हो जाएंगी, याद मतलब काफी दिन तक याद रहेंगी, और अगर आपके सामने आंखों के सामने अगर ये पड़ेंगे क्वेश्चन, तुरंत आपके माइंड में अपने आप जनरेट हो जाएगी वो ट्रिक, अच्छा इसका ये मैच कर रहा है, खड़ाक से आंसर मारोगे बढ़ जाओगे। और खुशखबरी आज ये है कि आपके यूपी में SI की 9000 प्लस भर्ती आ चुकी है, उसके लिए हम तो रेडी हैं, रेडी रहेंगे 4 स्टार के लिए, दो यहाँ, ठीक है। चलते हैं अपना थर्ड, थर्ड पे और कौन सा है, थर्ड पे यहाँ तो कोई नहीं है,
एक ये है हमारा थर्ड पे, ठीक है। बड़ा मजा आया ट्रिक सीख के हमको। ओके, तेलंगाना, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपके तीन है, कौन सा? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ओके, और मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ओके सर, अब यहां से होना आपका हरण से बनने का हिरण, और मृग भी होता है हिरण, समझे? लिंग तो कितना कर्राड़ होना है ना, खटाकसानी याद है, खटाकसानी। तो मृग बनी से मृग, और मृग ही होता है हिरण, तो हिरण आपका हो गया, ठीक है। तो हिरण और मृग ये तो आपके दो हो गए, और ये आपका हो गया। यहां से निकालेंगे अपन लोग तेल, ठीक है, अपन लोग क्या निकालेंगे? तेल। और यहाँ पे अपन लोग ऊपर जाएंगे, जब कासू से बनाएंगे काला, पहले आप लिंक कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मृग या हिरण तेलंगाना में है, ऐसा कर लो आप लोग, ठीक है। मृग या हिरण काले, मृग या हिरण को हमने तेल लगाया, ओके, क्या लगाया? तेल लगाया, रावण ने तेल लगाया था ना विभीषण के, सॉरी क्या नाम था उनका यार, जो बने थे कि जाओ उन्हें मार के आओ, मतलब उनके रण बनना, तो उनके मामा श्री थे, तो वही है। मृग और हिरण काले, मृग और हिरण के तेलंगाना यानी कि तेल लगाया, किसने लगाया वो आप लोग जानो, ठीक है। तो क्या आपका मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ओके, आपके तेलंगाना याद हो गए होंगे। काले, मृग, हिरण को तेल लगाया, किसे? तेलंगाना। चलते हम लोग नेक्स्ट, थर्ड कहाँ पे नहीं है, अब अपना तीन हो चुके, चार हो चलते हैं, ऐसे याद करना होता है धीमे धीमे, बोर हो रहा होगा प्रशासन छोड़ दो भाई, जॉब चाहिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आपको फेस करने में, सबको इजीली नहीं मिल जाता। हम भी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तो 2000 घंटे लगाते हैं सब चीज़ों को बनाने में, मटेरियल पीडीएफ बनने लगता है, 5 घंटा लगता है बनाने में, फिर बहुत चीज़ें और भी करते हैं, सीखते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ एक बेस्ट ट्रिक लेके आते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपको बोर लग रहा है तो आप हर जगह बोर ही लगेगा, याद रखना। अपना गुजरात, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री या मरीन राष्ट्रीय उद्यान, या कच्छ की खाड़ी। कच्छ जो है ना, कच्छ, ये कच्छ गुजरात में ही, तो उसी के ऊपर नाम आया कच्छ की खाड़ी, उसको बोलते हैं कच्छ में ना, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका हुआ, ब्लैक बक आपका हो गया नेशनल पार्क, बांसदा आपका हो गया, ये चार कहाँ पर है, एक ब्लैक बक, गिरी, समुद्री और बांसदा। आपका गिरी वाला ना, गिरी वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन चारों में पहली बार। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, गुज गुज गिरी बक बास, बकवास यानी कि बकवास, भाई बकवास मत कर यार, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, ऐसे बोल रहा है इसको, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, याद हो जाएगा भाई। गुज से गुजरात, गिर नेशनल पार्क है ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे हो जाएगा आपको याद, ठीक है। बाकी कच्छ वाला आपको पता है, समुद्री में है, समुद्र कच्छ, समुद्र दंदर होता है वो, बट कच्छ समुद्री है, याद कर लोगे आप लोग। क्या भाई इसमें टफ है, बताओ बताओ ना, गुजगिरी बकवास, गुजगिरी बकवास, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते अपन नेक्स्ट पे, और कहाँ है फोर अपना, ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। या ट्रिक मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर थोड़ी सी आराम, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। जे एंड के में, ठीक है, सलीम ने किस्तों में क्या किया, गम 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 होता चुपकाने वाला, ठीक है, गम खरीदा। तुमको लग रहा होगा प्यार वाला, तो भाई वो खरीदा नहीं जाता, मिलता है, ठीक है, नालायक को कदो, तो गम दिखा, मोहब्बत दिखी, साहब तो वही दिखता है गर्लफ्रेंड वाला। क्या हम भी रोमांटिक टीचर के नाम से भाई थोड़ा जाते हैं भाई, कि यूट्यूब पर कोई है तो वो रोमांटिक टीचर हिमांशु सर है, मुझे वो चाहिए टाइटल बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फेमस में जानता नहीं क्या होता है, दाम में जानता नहीं, मुझे रोटी चलती रहे अपनी, रोमांटिक टीचर चाहिए बस, वो नाम चाहिए, उस नाम के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ, रोमांटिक टीचर जीके सवाल, बात खत्म।
जेएंडके में सलीम ने किस्तों में गम खरीदा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आप याद रहे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है, ऐसे याद कर लो आप लोग। तो वहाँ पर सलीमगिरी मुसलमान है, मुस्लिम व्यक्ति है एक, तो सलीमगिरी तो सिटी फॉरेस्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो दरिया आपको खुद से लिंक करना पड़ेगा, सिटी फॉरेस्ट यानी सलीमगिरी, ठीक है। दाचीगाम में गम मिली है आपको, किश्तवाड़ में किस्त मिल गई। तो यानी कि आपका क्या है, गिर जेएंडके में सलीम ने किस्तों में गम खरीदा। क्या हुआ, जेएंडके में सलीम ने किस्तों में गम खरीदा। किश्तवाड़, दाचीगाम, ठीक है, सलीमगिरी, सिटी फॉरेस्ट, कहाँ पर है, जेएंडके में। खत्म कर दस स्टेट्स, याद हो गया ना। चलते हैं भाई, मजा आना चाहिए यार सेशन में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि फिर आप बोलते हो भाई कि मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन। सर ये नहीं, सर ये होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो गया, वैसे होता है भाई। चार हो गए आपके, चलते पाँच पे, फाइव, फाइव देखते हैं हम लोग। असम, असम में जाते हैं, असम, सम से मैंने बोला था असम यानी कि सोना, है ना। असम सोता बहुत है यार, हद है यार, असम जो है सोता बहुत है, है ना। ये सीएम का था भाई, क्या था, असम सोता बहुत है, तो सोने से क्या था, सर्वानंद सोने वाला। यार एक ट्रिक ऐसी दी है ना तुमको हमने कि तुम चांदी वो नहीं मोती चूर के होते लड्डू, वो एक चूह जो होता है वो आपको मैंने दी है आपको ट्रिक्स। चलते फिरते याद हो जाएगी, ऐसे सेशन पुराने देखे ही जाके, अगर नहीं, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो यार, है ना, कि तुम्हारा ही चैनल है अपना है, ठीक है। इतनी ट्रिक्स दे दूंगा ना कि तुम भी कहोगे कि सर मजा आ गई। ओके अच्छा अच्छा सर, राइट क्लियरली, ओके ब्रो, ओके 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 सर। असम में क्या है, पांच है आपके, कौन कौन से हैं, पांच है आपके, कौन कौन से हैं, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है काचीरंगा पूछता है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आपके लिए क्या ट्रिक होने वाली है, ठीक है सर, बहुत लॉजिक ट्रिक है इसमें, याद रखना आप लोग, बहुत लॉजिकली है, इसको हटा देना, बहुत लॉजिकली है, ये ट्रिक नहीं है, ये आपका इमेजिनेशन है। मैंने बोला था ना कि कुछ ट्रिक्स होएंगी, कुछ इमेजिनेशन होगा, ये इमेजिनेशन के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है, इमेजिनेशन के ऊपर। क्या सर इसमें इमेजिनेशन, देखो आप लोग यहाँ पे रंगा ये है, रंग ये है, ठीक है। यहाँ मान है, मान, यहाँ पे क्या है, नाम, उल्टा कर दो, मान है यहाँ पे मान, तो ये आपका हो जाएगा नाम, समझ गए। मानस आपको याद होगा, पहली बात इतना ईजी है, अब आप नामेरी याद कर लोगे, नाम मानस, मान, नाम, नामेरी, ठीक है। काचीरंगा आपको याद होगा, कांचीरंगा, ठीक है, तो रंगा से रंग है, एक एक रंग वाला भी है, तो ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग, ओरंग करना पूरा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, याद हो क्या, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, जस्ट लाइक अ इमेजिनेशन वो था इसमें, कुछ ट्रिक्स, कुछ इमेजिनेशन, कुछ रट्टा मार, तो आपको याद होगी जीएस, सब कुछ ट्रिक से तैयार कभी नहीं होता, ज़्यादा ट्रिक होगी आपको याद, आप ट्रिक ही भूल जाएंगे, क्या था उसमें, क्या था इसमें, क्या था, कहीं ना कहीं लग जाएगा ट्रिक आपको। तो कांचीरंगा, रंग से, रंगा से रंग बनेगा, क्या बनेगा आपका, ओरंग, ठीक है। मानस यानी कि नाम, तो नामेरी, ओके, पसंद का हो गया आपका, पाँच चलते हैं। एक बचा आपका डिब्रू, तो डिब्रूगढ़ एक जगह है यार असम में, ऐसे याद करना आपको ये वाली चीज, डिब्रूगढ़ असम में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइव कहाँ पर है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भाई ठाकुर बहुत है, तो जयराम ठाकुर वहाँ कौन थे भाई, कौन थे, सीएम थे, ठीक है। हिमाचल के बताना आप प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ऐसा आपको कर पाऊंगा रिविजन में। वीडियो में आने का यही फायदा है कि कुछ टॉपिक चल रहा है, कुछ का कुछ लिंक भी करा रहे हैं सर, सीएम वाला आपके साथ चल रहा है ना, वो टॉपिक आपको साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ये आप यहाँ से ही रहे, एक बार में दो टॉपिक चल रहा है आपके, ये आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, बेनिफिशियल आपके लिए, इसी बात को बोलता हूँ कि बहुत अलग चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम भी आपका इतना गवा नहीं रहा, कुछ ज़्यादा बात नहीं करता मैं, बस बोर रहा हूँ इतना बोल देता हूँ, बस बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग बोर बहुत जल्दी आते हो भाई, हमें खास लड़की होता तो तुम बोर नहीं होते, फिर मेरी आवाज़ सुनते रहते क्या कह रहे हैं, ऐसे कर लेते सर, सही सही मजा आ रही है, वो लड़का हो क्या करूँ यार। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, अपिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिम्मलवारा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्मलवारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इमेजिनेशन के ऊपर है, नो ट्रिक, ओनली इमेजिनेशन। क्या है भाई ये अपना, हो गया क्या
ये अपना क्या हो गया, अपना सपोज कर लो ना, त्रिशा बन रहा है, ये अपना हो गया मैप पे, यानी कि भारत का। तो यहाँ पे अपना आता है हिमाचल, आता है टॉप पर ही थोड़ा सा नीचे हिमाचल, ठीक है। हिमाचल क्या है, टॉप पर है भैया। हिमालय भी कहाँ होता है, टॉप पर ही होता, ऊंचा होता है, टॉप पर होता है भाई। टॉप पर क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश भी है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम रखा गया था हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट है ना, ये ऊपर है भाई, कोई पूरे मैप में ऊपर है ना हिमालय, सॉरी क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, इसलिए आपका हिमालयन हो गया। अब बचा आपका इंद्र। इंद्र अपने क्या होगा, हिंदू धर्म आपको पता होगा, इंद्र, इंद्र से वर्षा होती थी है ना, इंद्र से मैं ट्रेन में वर्षा होती शिवाजी के, वो शिव जी के उससे चुटिया से, बट मैं बता रहा हूँ इंद्र वर्षा करवाते हैं, ये चीज़ होती है बस। तो इंद्र ने क्या करवाया, ठीक है, सिंबल दिया, सिंबल किसको दिया, गंगा जी को दिया, बारिश करने के लिए। ओके, हिमालय पे अब पूरी ट्रिक समझ जाओ, ट्रिक नहीं है इमेजिनेशन है। हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश में टॉप पर है भाई, यानी हिमालय भी ऊंचा होता है, हिमालय पे इंद्र जी हैं, और इंद्र जी ने मैसेज दिया गंगा जी को, यानी कि खीर गंगा, कि भाई सिंबल दिया, सिंबल वारा ऐसा करना, सिंबल दिया कि बारिश करवाओ, ठीक है ना, क्या बारिश करवाओ, आपकी क्या होगी ये बारिश, यानी सिंबल वारा बारिश, सिंबल दिया बारिश करवाने के लिए, ठीक है। उसी टाइम गंगा जी ने क्या हुआ, भाई गंगा जी मतलब लेडीज हैं, चुटिया वगैरह पहनती हैं इस टाइप से, ठीक है, वो फिर उन्होंने क्या किया, पिन खोल दिया अपना बालों का, लो गंगा यहाँ से निकलेगी, क्योंकि पिन खोला बाल हट गए, फिर बारिश की वर्षा होने लगी। यानी कि अब ट्रिक पूरी याद कर लो किस तरीके से, हिमालय कहाँ पर है भाई, हिमाचल, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय, हिमाचल ऊपर है तो वहीं पे हिमालय, ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय अपना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वहाँ पे क्या हुआ इंद्र किला, यानी कि इंद्र जी ने बोला था कि गंगा मतलब बारिश होनी चाहिए भाई, तो सिंबल बारा गंगा जी को सिंबल दिया, गंगा जी ने क्या किया भाई, गया अपनी चुटिया खोली और पिन खोला उसका, गंगा तुरंत एकदम बारिश तुरंत एकदम होने लगी, दैट्स इट। इसे बोलते हैं इमेजिनेशन, ये कोई ट्रिक नहीं है, ओके, ट्रिक बहुत ही लाइन पूरी पढ़ता हूँ, ये लाइन है याद कर लो, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फाइव, कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बांदीपुर नेशनल पार्क, बंडरघट्टा जीव उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागर होल, ये भी इम्पोर्टेंट है, नागर होल नेशनल पार्क। इसमें आपको कोई ट्रिक याद नहीं करवाऊंगा मैं, यहाँ पे इसमें दो ही इम्पोर्टेंट है, दो तीन, बांदीपुर आपको याद होगा, बांदीपुर, कुंद्रेमुख, नागर होल, बांदीपुर, कुंद्रेमुख और नागर होल, ओके, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बंडरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है, जयप उद्यान बोल सकते हो, केंद्रमुख, नागर होल है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये तो हर जगह है, इसकी इनको मत देखना कभी भी, नागर होल को देखना, नागर होल नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपकी नॉर्मली लैंग्वेज होगी। चलते हैं हम लोग आगे, कुछ रटने पड़ेंगे इसमें, ज़्यादा कुछ स्थानीय फालतू टेक बनाता है, क्योंकि बांदीपुर एक इंपॉर्टेंट है इसमें, कुंद्रेमुख इंपॉर्टेंट है और नागर होल इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। चलते हैं हम लोग, और फाइव कहाँ पर है, ये अपने हैं फाइव, ठीक है, राजस्थान में, प्रेस को करता हूँ इरेश, भाई बताइए सर कैसा लग रहा है आपको पढ़ते टाइम, कुछ कमेंट वगैरह कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए ब्रो, ओके, पांच लाइक कर चुके आप लोग इस चैनल को, पता है चैनल को सिर्फ अभी 40 दिन हुए, इतना सपोर्ट कर रहा है आप लोग, क्या बताऊँ, पता नहीं चैनल कहाँ उड़ के जाएगा, आप लोग पढ़ाना जब आपको मौका मिले पढ़ाने का, सिलेक्शन लो पढ़ाओ यहाँ पे आके, फ्री पढ़ाई, फ्री नहीं जैसा आप चाहो पढ़ाई, फ्री पढ़ाई, सॉरी फ्री पढ़ा रहे हैं हम भी, आप भी फ्री पढ़ाओगे। राजस्थान पाँच है यहाँ पे, मुकुंदरान हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है और आपका, ये दो इंपॉर्टेंट है बस। अब बताते हैं इसका इमेजिनेशन क्या है, राजस्थान है भाई, पानी की कमी रहती है यहाँ पे, डिजर्ट तैयार होगा, डेजर्ट, ठीक है। अब क्या राजस्थान एक्चुअली क्या है कि अपने भारत की जो इतिहास है ना, उस पूरा राजस्थान में डिपेंड है, राजस्थान में जाओगे वहाँ क्या परंपरा थी, कैसे रहते थे लोग, कौन कौन से बड़े बड़े महल बने हुए हैं, तो वहीं पर सब राजा लोगों का वास था, ठीक है। राजस्थान राजा लोगों का वास था वहाँ पे, तो केवला देव एक नाम के व्यक्ति थे, केवल देव यानी कि राजा, ठीक है। रणथंभौर रणथंभौर लग रहा है राजस्थान की भाषा में, रणथंभौर राजा बोल रहा है, रणथंभौर तो राजस्थान, रणथंभौर, ठीक है। सरिस्का, सरिस्का और बचा आपका मुकुंद, मुकुंद होगा मुकुट, राजा होगा देव जी हैं भाई, तो मुकुट लगाए होंगे, ठीक है ना। और उनकी भाषा से रस जो है सरस, सरस यानी कि रस जो है सरक रहा होगा, सरक सरक रहा होगा, तो
राजस्थान में क्या है भाई अपना, याद कर लो इस तरीके से, याद नहीं करना बस स्लाइटली ध्यान रखना, डेजर्ट यानी कि पानी कभी रहती है डेजर्ट रहता है, ठीक है। देव है वहाँ पर कोई एक देव नाम के हैं, तो केवला देव आपको दिख जाएगा, ऑप्शन मार देना केवला देव। भाई मुकुट पहने हुए हैं तो मुकुंद हिल्स, ठीक। उसके बाद क्या आपका रणथंभौर, भाई पूरा एकदम फट्टे कट्टे रणथंभौर, रण के लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं भाई रणथंभौर। और उनके मुंह से सरिस्का, सरिस्का यानी कि रस की क्या लहर चल रही है, सरिस्का रस जो है रस रस यानी बह रहा है, ठीक है। ओके, ये आपकी इमेजिनेशन है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कुछ याद नहीं करना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ सुनते रहना दो चार बारी आपको याद हो जाएगा। तमिलनाडु गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी याद कर लेना, बोलूँ गुंडी बोलूँगा, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मंडार की खाड़ी, ठीक है। इंदिरा गांधी अन्ना मलाई, मलाई जो है ना मलाई से ट्रिक बनाऊंगा आपके भी, अन्ना मलाई नेशनल पार्क, मुंदू मले वन्य जीव अभ्यारण, ये बरोबर नीचे, हाँ मुकुर मुकुर थी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके मुकुर थी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, पहले इंपॉर्टेंट याद करो उसके बाद करना कम इंपॉर्टेंट वाले, आपका ये इंपॉर्टेंट है मुंदू मले और अन्ना मलाई, ठीक है। हाँ जा तमिलनाडु क्या है भाई, तमिलनाडु जैसा नाम वैसे इसके नाम है अन्ना मलाई, याद कर लेना। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, ये जी है कोई गुंडी तमिलनाडु भाई क्या है गुंडलो रहता है, गुंडे गुंडे पढ़े लिखे जाता है वो लोग आए दिन गाय वगैरह काट देते हैं, उसलिए गुंडे गुंडलो उनको बोला जाता है कभी कभी उनका, इसलिए इस चक्कर लोग बताते हैं हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं वहाँ पे ज़्यादा वो बारिश वगैरह होती है। खैर मैं बात कह रहा हूँ कोई ऐसा वो नहीं है ठेस पहुँचाने का, एक मैं ट्रिक्स के रूप में बता रहा हूँ। तमिलनाडु में क्या है भाई राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय, वहाँ पे लोग काफ़ी मछली वगैरह खाते हैं, गुंडी लोग गुंडे लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। अन्ना मलाई की पहाड़ी, एक है अन्ना मुड़ी वो केरल में, और एक अन्ना मलाई वो तमिलनाडु में, ठीक है पहाड़ी जो है, और ये पहाड़ी के ऊपर नाम रखा गया अन्ना मलाई पहाड़ी है, इसलिए इंदिरा गांधी अन्ना मलाई जैसे पार्क बोलते हैं। अन्ना मलाई कहाँ पे तमिलनाडु में, और किस तरफ केरल है आपको, केरल में कौन सा अन्ना मुड़ी, मृदु मले ये भी उसकी तरह नाम मैच करना तमिलनाडु में, ये आपको एक रिलेवेंट चीज़ दे रहा हूँ भूले नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट अपना क्या है फाइव, अच्छा अपना सिक्स लास्ट है, सिक्स अपना क्या है सर गेट बंद कर दो, तब से गेट खुला हुआ है। सिक्स अपना क्या है, सिक्स अपना देखिए तो काफ़ी चीज़ें आपकी कितनी खत्म हो गई, वन टू थ्री फाइव सब खत्म हो गया, ठीक है ना। कहीं आपको मैंने इमेजिनेशन दिया है, कहीं आपको ट्रिक्स दिए हैं, इसे इतनी ट्रिक्स मत दे दो तो बच्चा परेशान हो जाएगा यार, ट्रिक्स देता हूँ लिमिटेड, वो भी ट्रिक्स आपकी मतलब लाइफ से संबंधित हो, गर्लफ्रेंड आपकी जिंदगी में होगी इस टाइम तो उससे संबंधित है ना, हॉस्टल लाइफ आप क्या जी रहे हैं तो आपके हॉस्टल लाइफ से संबंधित मैंने ट्रिक्स दिया आपको, और इमेजिनेशन दिया है आप लोग कहाँ तक सोच सकते हैं, ठीक है। देखो पांच जो नेशनल पार्क एक स्टेट में थे वहां मैंने यूज किया इमेजिनेशन, क्योंकि एक पांच करके एक स्टेट में पांच नेशनल पार्क को लंबी ट्रिक बन जाती है, आप उसको याद करते तो जहाँ कम थे वहां मैंने ट्रिक से कम चला दिया, और जहाँ ज्यादा है ना यहाँ पे ज्यादा है पांच पांच छह छह नौ नौ है वहां पे हमने इमेजिनेशन लगा दिया, आपको दोनों याद हो जाएंगे। चलते हम लोग सिक्स पे, सिक्स अपना यहाँ पर कहीं था अपने फाइव पूरे कंप्लीट हो गए ना, चलते हम लोग सिक्स पे चलते हैं, सिक्स कहाँ पर है, सिक्स अपना ये है केरल, केरल आपका है देखो एक इसमें आएगा पेरियार, बहुत इजी साइलेंट वैली आपको पता होगा, पम्बादुम पम्बादुम मथिकेटन एराबिकुलम और अन्नामुड़ी, देखो ना अन्नामुड़ी कहाँ पे केरल में है पहाड़ी है उसके नाम पर रखा गया है अन्नामुड़ी, सोलह नेशनल पार्क क्योंकि अन्नामुड़ी पहाड़ी है केरल में, और अन्ना मलाई कहाँ पर तमिलनाडु में इसलिए वहाँ पर रखा गया इंदिरा गांधी है अन्ना मलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो अन्ना मुंद्री से आपको अन्ना मुंद्री से आपको याद हो गया कि पहाड़ी इसलिए, ठीक है ये आपको याद हो गया। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो गई पहले से, साइलेंट वैली आपको याद होगा, एक और वैली है फूलों की घाटी इसको बोलते हैं वो कहाँ पर अपनी उत्तराखंड में, ओके उत्तराखंड में, तो साइलेंट वैली आपका हो गया और आपका पेरियार हो गया आपका अन्ना मुंद्री हो गया, अब आपके हो चाहिए तीन, अब तीन ये याद कर लो ना तब इसको याद करना और उसको याद ही करना, एराविकुलम मथिकटन पम्बादुम, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर ट्रिक नहीं दी क्योंकि सॉरी क्योंकि ट्रिक बहुत हो जाती है, ये तीन अपनी निकल आई हैं इंपॉर्टेंट है बाकी बच्चे तीन, जब ये सारे इंपॉर्टेंट याद कर लो उसके बाद देना इसको देख लीजिएगा, ठीक है एराविकुलम मथिकटन पम्बादुम ये कम इम्पोर्टेंट है। चलते हम लोग नेक्स्ट महाराष्ट्र, चंदोली गुमागम नवगांव, ठीक है पैंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी और तड़ोबा, ठीक है इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, एक भी नहीं पूछता, दो पूछी जाती हैं चंदोली और तड़ोबा, चंदोली और तड़ोबा, ठीक है इसलिए आपको याद नहीं करना ज़्यादा, अब ये आपके लिए ओवर हो रहा होगा, रुक जाना ठहर जाना,
कुछ लोग यहाँ से वीडियो को हटा देंगे और कुछ लोग लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक जो देखेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि एक एक हजार पे एक एक सीट है, तो यहाँ पर भी लास्ट तक डटे रहोगे। लास्ट में एक वॉच जो बचेगा ना, एक वॉचिंग जो बचेगा, वही इसका हकदार होगा, इस वीडियो का पूरा वही याद कर पाएगा। ठीक है, जिस तरीके से छुटते हैं ना पाना बच्चे बचता है जो, सिलेक्शन उसी का होता है फाइनल में आके, तो यहाँ पर जो वीडियो के लास्ट में रुकेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, ये मजाक नहीं कर रहा है, हकीकत है, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं जानता हूँ उस चीज़ को। कुछ चीज बोरिंग होती है, कुछ चीज लगता है बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, जीएस को जितना इंटरेस्टिंग था बना दिया। ठीक है ना, स्टैंड और जितना भी इंटरेस्टिंग है ना, मजा आने वाली चीज़ सिर्फ गर्लफ्रेंड होती है, बाकी पढ़ाई हमेशा पूरा पसीना निकाले करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ना अगर इतना आसान होता तो कुत्ते बिल्ली भैंस जितने लोग ये बाहर घूम रहे हैं गलियों में, सबके पास एक एक पोस्ट होती है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई कभी इंटरेस्ट नहीं हो सकती है, होती है कुछ हद तक। अपना बचा आपका सिक्स, लास्ट है अपना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका देख लीजिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। एक है साइलेंट वैली, वो आपकी कहाँ थी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपना कहाँ था, केरल में। ठीक है, फिर एक ये है फूलों की घाटी। ठीक है, ये अपना कहाँ पर, उत्तराखंड में, ऐसे इसी नाम पर आपका नाम रखे। राजा जी है, ये भी है, नंदा देवी ये भी एक नाम पर्वत, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, उसके नाम पर रखा गया है। गोविंद आपके श्री कृष्ण भगवान है, यहाँ पर सब जो बात चल रही है, राजा जी हैं, नंद है, भगवान है, नंद के गोविंद है, नंद के आनंद भय हो जाए कन्हैया लाल की, है ना, वही चीज़ है यहाँ पे, नंद है, गोविंद है, गंगोत्री, ये भी गंगा जी यहाँ बह रही हैं, है ना, तो सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब भगवान के ऊपर है। ठीक है, तो ये देखो राजा जी, नंद है, उन्होंने कृष्ण भगवान क्या, राजा जी राजा थे, नंद है, गोविंद है, गंगोत्री है, आपको ये तो आपको याद हो गई, जिम कॉर्बेट इसको याद करना ही नहीं है आपको, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में, दैट्स इट। ये कहते हैं इमेजिनेशन, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इमेजिनेशन है। अब बचा आपका पश्चिम बंगाल, छह यहाँ पर है, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदा पाड़ा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरवन। यहाँ पे सिर्फ सुंदरवन वाला इंपॉर्टेंट है और एक आपका था गोरुमारा वाला, बस दो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब बेकार है, अगर मन करे तो याद करना, ना मत करना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, गोरुमारा और सुंदरवन। ठीक है, आपके छः हो चुके, सात है नहीं कहीं पर, एक लास्ट है नाइन यहाँ पर है, नौ है केवल। ठीक है, बाकी देखो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, नौ एक दो जगह है बस, एक यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, दो कैम्पबेल यहाँ पर एक आया था, क्या बोलते हैं गवर्नर, सॉरी वॉसराय, उसके नाम पर रखा गया था कैम्पबेल, गैलाथिया और महात्मा गांधी मरीन और मिडल बटन, आयरलैंड माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, सेंट्रल पीक, साउथ बटन, आयरलैंड। देखो आपको ऑप्शन जब आपको देखे ना क्वेश्चन की इंग्लिश के ऊपर है ना, तो वो अंडमान निकोबार से होगा, इसलिए आपको क्या करना है। ठीक है, मैलासिया है, कैम्पबेल है ना, मरीन बटूर है, मिडल बटन है, माउंट है, नॉर्थ बटन है, ये बटन जो भी है इसको कहाँ के हैं, अंडमान के, तो मिडल बटन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ बटन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और आपने देखिए सैंडल यहाँ पे आ रहा है। मैं ट्रिक तो बता दूँगा आपको कि जहाँ जो रानी जो है ना झांसी की रानी, उन्होंने सैंडल पहन रखी है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर और साउथ बटन, तो जितने बटन तीन आ गए, साउथ, नॉर्थ और यहाँ पे मिडल, ये बटन है। बटन कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, झांसी की रानी ने सैंडल पहना और महात्मा गांधी ने हमारी क्या पहना, कैप पहन लिया, तब वो युद्ध लड़ने गए। ठीक है, महात्मा गांधी ने कैप पहन लिया, ठीक है, और रानी झांसी की रानी ने सैंडल पहन ली, सैंडल पी है ना, सैंडल पहन के लड़ने गए। ठीक है, आपकी ट्रिक भी हो गई, और ये बटन जहाँ भी आ जाएंगे आपके, ये आपके कहाँ पर होंगे, सीधे अंडमान निकोबार होंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कितनी इजी है यार, कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ अब तो आपको, दे रहा हूँ इमेजिनेशन, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे चार से ज़्यादा, मुझे देखिए और मैंने लगा दी इमेजिनेशन, यहाँ चार से कम नेशनल पार्क एक्सिस्टेड और मैंने ट्रिक लगा दी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ होंगे तो ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक बहुत लंबी उसका सेंटेंस बन जाएगा, आप लोग याद करते रहोगे कि क्या फ़ायदा क्या है इससे, जो सब कर रहे हैं वो यहाँ तो सर कभी नहीं करेंगे। या अपना लास्ट है मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ इसका इंपॉर्टेंट है, फौशल नहीं है, कान्हा आपका इसका इम्पोर्टेंट है, मांधव इम्पोर्टेंट है, पन्ना यहाँ पे हीरा निकलता है, मांधव मध्य प्रदेश एमपी में है ना, पन्ना, पन्ना ही खान वही उससे ही बना हुआ है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, बाण बिहार। ठीक है, इतने ही है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कान्हा वाला आपका इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़ इसका इम्पोर्टेंट है, मांधव इम्पोर्टेंट है, पन्ना है, बस आपके इतने, और बाण बिहार ये आपके इम्पोर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आपके सारे कंप्लीट मैंने करवा दिए नेशनल पार्क, आपकी तीन वीडियो हो चुकी हैं, तीनों देखिए, उसके बाद सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीएसआई की भर्ती 9000 आ चुकी है, निश्चिंत रहिए, स्टार हम लगवाएंगे। ओके,
ऐसे ही बस क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए, अपने अंदाज में लगेगा कि ना तुम लोग राजा महाराजा हो भाई। कंपटीशन तो दुनिया में हो रहा है, हमारे घर में तो ना कंपटीशन हो रहा है। आराम से बेड पर लेटे रहिए, चार्जर पिन में लगा दीजिए, आराम से वीडियो देखिए हिमांशु सर की, आसिफ सर की और अर्पित सर की। सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा, नालायकों ऐसे नहीं होगा। इन वीडियो को बार बार देखना होगा, जिससे कि जितनी बार अपनी आंखों से गुजारोगे जीएस तभी तैयार होंगे। ठीक है, तो आपसे विदा चाहूंगा। आपका ये एडिशनल एक्स है, आपका ये बटन आपका है फेवरेट बटन, क्लिक फोड़ दिया करो बस उसको, एक बार ट्राई कर लो कि मान रहा है कि नहीं मान रहा है बटन ये। एक बार टच करना, दो बार करो भाई अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार करना, मान रहा है ठीक, ओके सब कुछ ठीक है आपके फोन में। ग्रुप डी NTPC CVT 2 आपका SSC एयरफोर्स सबके लिए तैयार है, भी रेडी है एकदम। सीए सब्सक्राइब कर देना, गर्लफ्रेंड को भेज देना, दोनों लोग साथ में पढ़ना, पढ़ाई अच्छी होती है याद रखना हमेशा। ओके, अब सब कुछ फ्री में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और बस नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाला है, तो आप इसको कंप्लीट करिए। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाऊंगा मैं आपको संडे को, आई होप कि एक मैराथन लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।